पहुंचे ने सरपंच जैसल सिंह पिंड बाघा तो पहुंचे ने मेरी पीढ़ी सोसायटी पिंड बोदड़ तो प्रधान मनदीप सिंह ढींसा जी पहुंचे ने प्रितपाल सिंह जी पहुंचे ने उन्होंने साथी नाल उन्होंने आए सारे पंजाब दिया नहरा रोक के इस तरह धरने ला के जरा संघर्ष जारी किया जाएगा। सो सारे वीर भैन का मैं धन्यवाद करता आस करता कि इस तरह आप भी धरना होंगे किसानों का मजदूर का आम लोगों का अपने हकों की आवाज बुलंद करने वास्ते आप हमेशा कट्ठे रहिए। जे कट्ठे रहेंगे ता ही साड़ी जित आ ता ही साड़ा पंजाब बचेगा। हक मंगने लगे पंजाबियों दे लई इह पहले दिन तो ही जिहड़ी सेंटर की नीति आ भला उहदे विच कांग्रेस सी भी भला उहदे विच हुण बीजेपी आई आ उन्हां दा पहले दिन तो यही रही आ उन्हां दी मनसा फसल कोई ना कोई जी कदा गे पर समय दिया सरकार ने जड़िया अपनिया सोचा पहले सोच के रखी मुताबिक चलते हुए एक दो बारी पानी साडे खेतों तक पहुंचा तो वो की होया जे आपस भरा भरा थे वह भी लड़ाते क्योंकि वो पानी की वंड वास्ते कोई भी उसे मुलाजम नहीं रखेगा कभी किसी का सिर पाड़ जाता है तो कभी कोई राह जी नहर तोड़ दिता सगा ये मेरे इलाके गड्डी वालों को पता होगा कि साढ़े खंभे लग चुके हो जी सा मोटर की लैन 8 घंटे होनी थी वह 2 साल तो रुकी पी है क्यों नहीं की मेरे नौ दो नुमाइंदा पार्टियां राज किया दसो तो भला नहीं इन्ने साल कि साल नहर चली कि सरकार जो पीने तो इधर लागे लागे जाते दसो जी समय समय के नाल सिर्फ इन्नी असी आस की नहर में जो तुम साइडा पक्या कर दे तो बेस कच्चा छड़ दे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੱਲ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ सब तो मोड़े हिक डा के तुहाडे नाल इन्हां वीरां दे नाल मोड़े दा मोड़ा ला के खड़े हाँ जे सानूं ट्रैक्टर जेसीबी जां कुछ भी लियाउणियां पईआं इहनूं पट्टण लई असीं पट्टांगे एक बूंद पाणी दी जिहड़ी अगे जाण नहीं देंगे पर तुहाडा साथ चाहीदा मोड़े हो के असीं लड़ांगे तुसीं पिछे खड़े जरूर होइओ। सो इन्नियां गल्लां करदा होइआ खिमा दा जाचकां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। और देखो मसला जिहड़ा आ अफसरां ने भी उपरों गलबात करनी हुंदी है और गलबात करन दा उन्होंने समा मंगया कि सानू समा दिता जाए मंगलवार तक समा दे दिओ सानू असी गलबात करदे आ काम साडा उसी तरह चलण दिओ। पर देखो साडियां मंगां मैं तुहानूं दस दिंदा की है एक तां जिहड़ा थल्ला आ नहर दा थल्ला जिन्ना भी बचिया उहनूं बिलकुल इट्टां लाउणियां ते विच सीमेंट दी ग्राउंडिंग करनी है कोई कंक्रीट नहीं पाउणी सीमेंट की हल्की जी ग्राउंडिंग कर देनी है उसके 13 के उस तरह उपर सीमेंट नहीं पाना कोई प्लास्टर नहीं करना उसके और दूजा जिन्हें भी पिछले पिंडों पाइप ब्रीक दिते हैं उन्होंने लोटा करना साई के हिसाब से बैठ के बेचारा पिंडों कर लिया जाऊंगा जो गऊ घाट पहला बने से वह गऊ घाट फिर दोबारा उठे उठे जो पिंडों की सहमति के नाल जिते वह चाहते हैं उत्थे अपने पिंड वाले प्रपोजल दे दो उत्थे नहर के नाल नाल गऊ घाट भी जिहड़े बनाए जाएंगे और रेलिंग जिहड़ी है साइड ते उहदे बारे भी विचार किया जाऊगा रेलिंग लाउण वास्ते कि कोई हादसा जिहड़ा आ उह वापरे ना और जिहड़े पुले आ पुल पहला तो छोटे आ क्योंकि पहला कंडीशन कुछ होर सी पहला पानी भी पिंडां दे विच साडे आम सीरा फुटदियां हुंदियां सी ते वाटर लैवल उपर हुंदा सी उस वेले पानी की समस्या भी नहीं सी ते पुलां दी समस्या भी नहीं सी हुण पानी की समस्या भी है ते नाल पुलां दी समस्या भी है इस बारे भी विचार किया तो उन्होंने कहा कि पिंडां वाले सानूं लिख के दे दिओ जिहड़ा जिहड़ा पुल चौड़ा करना
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮੋਤਵਰ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਨਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੇਰਿਆਂ ਤੇ ਧੜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ ਕਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਧੜਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਆ। ਤੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਨਣੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੂਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਏ ਜਗਾਰਾ ਜੀ ਤਰਪਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ ਘੁਸਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੀ, ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨਵੀਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਚੱਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੀ ਮਨਜੋਤ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਚਾਹੇ ਕੰਢੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛਿਓਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਕਿਉਂਕਿ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਲੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਾਇਆ ਆਜੂ ਵੀ ਇਹ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨੀ ਸਹਿ ਕਦੇ ਮਾਰਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਜੂ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ
क्या भी काम जेड़ा सब तो पहली गल तो काम बंद कराइए उस तो बाद असं देखांगे की करना। फिर काम बंद करवाया, फिर जंगवीर सिंह चौहान उन्होंने गलबात की, ये भी मेरे वड्डे वीर उस टाइम जो दस कि करनी है। मैं क्या भी भाजी फिर मौत एक साडे इस एरिए भी मौत आ रही है, चाहे अज उन्हू एहसास कर लीए चाहे 10-15 साल बाद कर लीए। इन्हीं भाजी उन्हें क्या कोई गल नहीं मंजो तेरे नाल असीं आ गए। उस टाइम चलो आके जो आपां कीता उस दिन कुछ भी नहीं सी, 10 जने सी, मैं तो नवी गल कर लिया 10-15 जने, पर अज साडे नाल जिहड़े सिर देने वाले भरा सारे बैठे आ, बड़ा माण आ। गल की आ जिहड़े तो समझदे आ इह है की आ, उह तां बैठे आ, पर जिहड़े नहीं आ उह घरां च बैठे आ भी इह साडे लई जिहड़ी नहर आ तरपाल पाया जा रिहा यह निरी मौत आ, असीं इहनूं रोकीए, क्योंकि पानी तां फसलां तों छड्डो सानूं पीण नूं पानी नहीं लभणा। अज उदन असीं गल कीती सी कि तुसीं नक्शा लै के आओ, अज कोई नक्शा नहीं लैके आए, उत्थे यह नहीं दस्या पानी नहीं मुक्की कित्थों, किहड़े खेतां नूं किसानां नूं देना पानी, लैके कित्थे जा रहे, भला चौर कही जा रहे, उत्थे थोड़ा दस्सदे वी उत्थे की करदा, उत्थे बंद कित्थे आ, इन्नी पॉइंट कित्थे आ, सिर्फ यही कह रहे किसानां नूं देना। तो किसान तो पिछे बेचारे मेरा ख्याल है जो वीर बैठे मेरे ख्याल चल गया लगते हैं, वो पिंडा के पिछले पास की जी लैन पै चुकी है, वो रोन दिया वा कहते जी पैप लैन पाई, पैप चढ़ रहे नहीं खेतों में पानी, तो कितने पानी लैके जा रहे हैं। तो इस करके सानू भी यही कह रहे हैं भी पानी पूरा जाए तो तरपाल पा रहे हैं, पानी पूरा जब इतने के किसान ही नहीं सानू पानी मिलता पूरा, तो गांह जाके पानी किसानों मिल जू, सानू सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा और कुछ नहीं। अद्धे तो साडे वीर बन रहे हैं पर जिहड़े बैठे आ जिन्हां फिकर आ आने वाली नस्लों की भी वह बैठे आ। हुण गल करिए भी धरने की, धरने की इत्थे सारिआं ने सलाह की आ, सारे मेरे वड्डे भरा सारे बैठे आ जिन्हां ने सूझवान तरीके दे नाल भी धरना जारी रखना जां किवें करनी, उन्होंने साडे कोल टाइम लिया मंगलवार का, पर आपां फिर भी बुधवार सारे ने सलाह की, बुधवार आपां बुधवार तकर देखांगे ये की कहिंदे आ। जे तां इह अपनी गल ते आ जांदे आ थल्ले कच्ची छड्डण दे लई तां ठीक आ, जे नहीं ते वीरवार नूं असीं काल दे के बहुत वड्डे पत्थर दे उपर असीं इत्थे नहर दे उपर जिहड़ा इसे जगह दे उपर पूरन सिंह जी नूं धन्नवाद जिन्हां दी जगह आ, जिन्हां ने कहा जदों मर्जी तकर तुसीं वरतो मेरी जगह च इत्थे बैठ के लाओ, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसे जगह से बैठ के धरना जारी रहेगा, कोई काम नहीं चलन देवे जिन्ना चक्कर नहर की सानू लिखती रूप के नहीं आते कि थलों कच्ची छड़ा आप नहीं पक्की करा नहीं तरपाल पैन देंगे। बाकी बेनती है ठेकेदार की जेड़े ठेकेदार भी सुन लैन, कोई भी जिन्ना चिर टाइम दिता नहर दे विच कोई काम ना करे, जे कोई काम करता फड़ लिया गया उहदा जिम्मेवार आप होगा। पहला असीं हथ बन के बेनती की बई काम बंद रखो, इन्होंने उदन का काम दिया, पर कल एक ठेकेदार का फिर पिछे काम चलता सी, उन्होंने चलो दो बार पहली बार हथ जोड़ दो बार हथ जोड़ पर हुण नहीं हथ जोड़े जाएंगे, जिनी उहदी मशीनरी है वह भी जब्त करके इत्थे लियावांगे। कोई काम नहीं चार दिन के जिथे तक हैगी है जिन्ना चक्कर साडा फैसला आउंदा, जे कोई ठेकेदार काम करदा फड़िया गया उहदा जिम्मेवार आप होगा, चाहे ठेकेदार आ चाहे लेबर वाला आ। बाकी आले दुआले के पिंडां नूं भी बेनती आ, इत्थे दे लोकल जिनी संगत चाहीदी सी नहीं हंगारा मिले, जिहड़े सरपंच साहब गज्जण होणी होर मस्ती आ तो सरपंच साहब ते जिहड़े वीर आ लागे छागे दे पिंडां दे काफी सरपंच आए आ, पर जिवें संगत पहुंचनी चाहिए थी ना आम हारे को नहीं पहुंची, जहां तक पता ही नहीं लग रहा कि साढ़े ना हो की रहा साढ़े ना बनना की आ, समझ नहीं कुछ आ रही। इस करके बेनती हथ बन के जी लोकल संगत है जरूर पहुंचो, इस धरने के विच लड़ाई साड़ी नहीं, साड़ी सारे की सांझी लड़ाई आ, आने वाली नसलों की लड़ाई आ, आप रल मिल के लड़िए। हुण जिवें भाजी ने लै ली है जंगवीर ने सहमति भी आप जो धरना चकना है तो हुण आप चक लीए, चकन तो बाद जो दो चाननिया भीर भाजी होनी अजय थमने दसिया भी दो चाननिया जरा रख रखा यह रहन दिखा जाऊगिया, तो बाकी असं आने वाला टाइम जिदा भी माधियम राही हैं बुधवार को दी जाऊगा।
बुधवार को आप दलाह जी दे के लाना ज कि करनी इन्हों का जो भी फैसला होगा वीरवार को आप कर दिता जाऊगा।